ठीक है, तो ये हुआ इफ एल्स, ठीक है, ये ट्रू वाला ब्लॉक होता था, ये फॉल्स वाला ब्लॉक होता था, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन दे रहे थे, क्या दे रहे थे हम लोग, एक ही कंडीशन दे रहे थे, ठीक है। अब अगर हम लोग को, मान के चलो हम लोग को मल्टीपल कंडीशन देना है, मतलब हम लोग एक कंडीशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग दो से तीन कंडीशन को चेक कर रहे हैं, जैसा हम लोग ग्रेटेस्ट वाला प्रोग्राम हम लोग किए थे, ठीक है, अगर हम लोग को यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा हम लोग को कंडीशन लिखना है, ठीक है, और चेक कराना है उस कंडीशन को, और ट्रू और फॉल्स हम लोग निकाल के कोई ना कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। जो हम लोग ग्रेटेस्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, तो उसमें हम लोग कितने कंडीशन ले रहे थे, अगर मैं वो प्रोग्राम दिखाऊँ, बीस पीस ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें ना जैसे उन लोगों को अलग ठीक है, तो ये वाला एक ग्रेटेस्ट वाला हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल कंडीशन ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बार इफ़ लिए थे, ठीक है, उस समय यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, एक कंडीशन लिए थे, ये हमारा एक कंडीशन हो गया था, ये सेकंड कंडीशन हुआ था, फिर उसके बाद एक और हम लोग तीन कंडीशन हम लोग यहाँ लिए थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर तीन नंबर में से कौन सा ग्रेटेस्ट है वो हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग के पास यहाँ पे तीन कंडीशन थे, तीन अलग अलग कंडीशन को हम लोग चेक करा रहे थे, ठीक है। अगर वैसे ही हम लोग को मल्टीपल कंडीशन लेना है, ठीक है, अगर देखो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट वाला कंडीशन मान लो ट्रू हो गया, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, कट रही है क्या, थोड़ा नेटवर्क यार अनस्टेबल हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। ये देखो जो सिलेक्ट किया हूँ मैं, ये वाला स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन दी है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तो इसका ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आज कट रहा है सर,
अभी आ रहा है क्या? हेलो, अब ठीक आ रहा है ना? ओके, ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट वाले कंडीशन की हम लोग बात कर रहे थे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है जो मैं यहाँ सिलेक्ट किया हूँ, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, है ना? ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तब कोई दूसरा कंडीशन चेक होगा, है ना? यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम लोग यही कर रहे थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, मतलब इसका ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? अगर ये फॉल्स हो जाता है तो यहाँ से कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी और नेक्स्ट वाला कंडीशन फिर से चेक होगा। ठीक है, मतलब तीन इंडिविजुअल कंडीशन थे और तीन इंडिविजुअल ट्रू वाले स्टेटमेंट है हमारे पास, ये थे यहाँ पे। अगर हम लोग को इस सारे को एक साथ लिंक कर देना है, इस सारे को एक साथ हम लोग लिंक कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो अगला कंडीशन चेक होगा। ठीक है, अगला कंडीशन चेक होगा, अगर ये भी फॉल्स होता है तो अगला कंडीशन चेक होगा। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है, तब एक फाइनल हमारे पास एक एल्स पार्ट होगा जिस जो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखे इफ कंडीशन वन। ठीक है, इफ क्या लिखे, कंडीशन वन। ठीक है, कंडीशन वन का ये ट्रू वाला पार्ट है। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा कोड है ट्रू वाला, अगर कंडीशन वन ट्रू होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अगर ये कंडीशन वन जो है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है, कंडीशन वन जो है फॉल्स हो जाती है तो कहाँ पे जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस एल्स के साथ में लगा दिए इफ, क्या लगा दिए, एल्स के साथ में भी इफ लगा दिए हम लोग। अगर ये कंडीशन वन फॉल्स हो जाता है तो एल्स इफ स्टेटमेंट में आ जाएगा और सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन टू को चेक करेगा। क्लियर? अगर कंडीशन टू ट्रू हो जाता है तो ये उसका ट्रू वाला पार्ट है, ये ट्रू वाला पार्ट है, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन टू फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो उसकी एल्स में आ जाएगा, ये इफ है, ये उसका एल्स है। ठीक है, पहला वाला जो था ये इफ था, ये उसका एल्स था। ठीक है, एल्स में ही हम लोग क्या किए, हम लोग पहले क्या करते थे, इस टाइप से करते थे, ऐसा एल्स वाला। ठीक है, अब इस एल्स के साथ भी हम लोग क्या लगा दिए, कंडीशन हम लोग लगा दिए। ठीक है, ये कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगा तो ये उसका ट्रू वाला पार्ट होगा। ठीक है, इस इफ का ये एल्स है, इस एल्स के साथ भी हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन थ्री चेक कर रहे हैं, अगर कंडीशन टू जो है वो फॉल्स हो जाता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे उसके साथ भी हम लोग लगा दिए कंडीशन थ्री, यहाँ पे इफ लगाए, कंडीशन थ्री लिख लिए और ये उसका ट्रू वाला पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही वो चलते जाएगा आगे आगे। ठीक है, कंडीशन वो वन जो है अगर ट्रू होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर फॉल्स हो जाएगा तो एक और कंडीशन चेक होगा, वो ट्रू होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, एल्स इफ कंडीशन थ्री जो होगा वो चेक होगा। ऐसे ही वो चलते जाएगा, कितने भी हम लोग यहाँ मल्टीपल कंडीशन ले सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर। क्या बोलते हैं, इफ एल्स इफ लैडर। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशन लेते हैं और मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक ही ट्रू होता है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन लेंगे और मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक ही ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री। ठीक है, सभी का यहाँ पे ट्रू वाला ही पार्ट है। यहाँ पे देख लो,
कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन वन इज ट्रू, नहीं होगा ठीक है, फॉल्स हो जाएगा तो सेकंड कंडीशन चेक होगा ठीक है। कंडीशन टू अगर ट्रू हो जाएगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हो जाता है तो वापस उसके एल्स पे आएगा और थर्ड कंडीशन चेक करेगा ठीक है। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन थ्री इज ट्रू ठीक है, ऐसे ही वो चलते जाएगा और फाइनल में जो भी लास्ट वाला इफ होगा उसका एक एल्स होगा, मतलब एल्स जो है पूरे इस लैडर का एल्स वाला पार्ट है, मतलब अगर सारे कंडीशन जो है हमारे फॉल्स हो जाते हैं तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ पे देखो, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, जब सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे तब कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, किसी कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, चलो हम लोग अपने प्रोग्राम में चलते हैं और इसको हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें एक प्रोग्राम मैंने डाला था, अगर इसका फ्लो चार्ट अगर हम लोग देखें नेटवर्क प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, पता नहीं कैसे, मेन जो एक वाईफाई चलता था यहाँ पे शायद तो बंद कर दिए हैं और कोई बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाईफाई दिख रहे हैं यहाँ पे आज। एक डीलिंक करके होता था, वो बहुत अच्छा चलता था, आज दिख ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक कनेक्ट होते जा रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है ठीक है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? अब देखो, ये फ्लो चार्ट है हमारे प्रोग्राम का ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ से सबसे पहला कंडीशन चेक करेगा ठीक है। फर्स्ट कंडीशन चेक हुआ ठीक है, ट्रू वाला, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है ठीक है, तो ट्रू वाला स्टेटमेंट वन जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है। और क्लियर, अगर ये कंडीशन वन जो है फॉल्स हो जाता है तो सेकंड कंडीशन के पास जाएगा ठीक है। अब इसको ऐसा समझो ठीक है, मान लो 10 तो काउंटर है, हम लोग सुपर बाजार पे गए, 10 काउंटर है वहाँ, बिलिंग काउंटर ठीक है, जैसे डी मार्ट हम लोग जाते हैं तो वहाँ 10 काउंटर रहते हैं है ना, 10-15 काउंटर रहते हैं वहाँ पे ठीक है। तो हम लोग पूरी शॉपिंग वॉपिंग कर लिए, पूरा हम लोग ट्रॉली भर लिए हैं और हम लोग बिलिंग कराने जा रहे हैं, तो हम लोग कैसे देखेंगे? पहला काउंटर में देखेंगे, अरे ये तो भरा हुआ है ठीक है। अगर काउंटर वन जो है वो खाली होगा तो मैं काउंटर वन में क्या करूँगा, बिलिंग करा लूँगा और वहीं से मैं बाहर निकल जाऊँगा ठीक है। अगर काउंटर वन जो है बिजी होगा ठीक है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, काउंटर टू पर चले जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे वो बिजी है, मतलब कंडीशन हो गई फॉल्स। अब किसको चेक करूँगा मैं, काउंटर नंबर टू को ठीक है। अगर काउंटर नंबर टू फ्री होगा तो क्या होगा, मैं वहाँ बिलिंग करा लूँगा, मतलब हमारा कंडीशन टू जो है ट्रू हो गया है, मैं वहाँ बिल कराऊँगा और बाहर निकल जाऊँगा। अगर मान लो काउंटर टू बिजी आता है, मतलब बिजी होगा, किसी और का बिल काट रहा होगा ठीक है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, काउंटर थ्री में चले जाऊंगा ठीक है। अब थ्री को चेक करेंगे कि थ्री फ्री है या फिर बिजी है, अगर फ्री होगा तो मैं वहाँ बिल करा लूँगा और बाहर निकल जाऊँगा ठीक है। अगर काउंटर नंबर थ्री जो है वो बिजी होता है तो क्या चेक करूँगा, काउंटर नंबर फोर चेक करूँगा ठीक है। ऐसे ही पूरे काउंटर्स को चेक करेंगे, कोई ना कोई तो फ्री मिलेगा ठीक है। अगर नहीं मिलता है ठीक है, सारे काउंटर्स बिजी होते हैं
अगर मान लो 10 काउंटर है, 10 के 10 बिजी है, ठीक है, मतलब कोई भी हमारा कंडीशन जो है ट्रू नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, बिजी मतलब फॉल्स, ठीक है। अब वहाँ बिजी होगा तब तो हम लोग नेक्स्ट काउंटर पे जाएंगे ना, ठीक है। अगर मान के चलो पूरे के पूरे 10 काउंटर जो है वो बिजी है, मतलब सारे कंडीशन जो है फॉल्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अरे यार, तो पूरा बिजी है, सामान छोड़ो चलते हैं घर, है ना? ऐसा कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं है, हम वहाँ वेट नहीं कर सकते कि कोई काउंटर खाली होगा और हम वहाँ बिल कराएंगे, ठीक है, पूरा सामान छोड़ देते हैं वहीं पे, घर निकल जाते हैं। मतलब वो सारे कंडीशन फॉल्स हो गए, हम लोग कहाँ के एल्स वाले पार्ट में। अगर पूरे काउंटर्स बिजी होंगे तो हम सामान छोड़ेंगे और निकल जाएंगे, ठीक, समझ में आया? तो लास्ट वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? वो ये एल्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो हर कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, आप आया समझ में? नहीं, लास्ट वाला कंडीशन जो होगा वो फॉल्स देगा, ठीक है। यहां पे देखो, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो चलो इसी प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं जो हम लोग ये ग्रेटेस्ट वाला प्रोग्राम बनाए थे, ठीक है। ग्रेटेस्ट वाला प्रोग्राम मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी में एडिट कर रहा हूँ, कुछ नया मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग पहले से देख चुके हैं, समझ चुके हैं उस प्रोग्राम को अच्छे से, ठीक है। अब देखो, हम लोग यहाँ तीन वेरिएबल ले लिए, इंट ए बी सी। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, तीन नंबर एंटर करेंगे और तीनों को चेक करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक। तो हम लोग उसके लिए तीन वेरिएबल ले लिए, इंटीजर ए बी और सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे तीनों को यहाँ पे स्कैनएफ लगा के हम लोग इनपुट ले लिए, स्कैनएफ और यहाँ पे ले लिए ए बी और सी, तीनों में हम लोग इनपुट ले लिए, तीन, ठीक है, तीनों में हम लोग को वैल्यूज मिल चुकी है। अब एज्यूम कर लो, ए में है 10, बी में है 20, सी में है 30, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग ए को पकड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग किसको पकड़ेंगे, ए को पकड़ेंगे और बी और सी दोनों से कंपेयर कराएंगे, दोनों से उसकी तुलना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। देन उसके बाद ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए को सबसे पहले बी से कंपेयर कराए, ठीक है, और ए को हम लोग सी से कंपेयर करा दिए। अगर ये पूरा ओवरऑल कंडीशन हमारा ट्रू आता है तब क्या होगा, ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, क्लियर। अगर ये कंडीशन फॉल्स आ जाता है, क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स आ जाता है तब इस इफ के एल्स वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है। अब एल्स वाला पार्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एल्स लगा देंगे। क्या लगा दिए हम लोग, एल्स लगा दिए, कहाँ एल्स लगा दिए हम लोग, इस ये वाले इफ का, ये वाले इफ का ये एल्स है, ठीक है। अब एल्स में भी एक कंडीशन लगा दी हम लोग यहाँ, ठीक है, ये एल्स में भी हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए, कंडीशन लगा दिए, क्लियर है। अब ये कंडीशन चेक होगा, ठीक है, इफ बी बी इज ग्रेटर देन ए, अब हम लोग बी को पकड़े और ए और सी से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी जो है ए से बड़ा है एंड बी इज ग्रेटर देन सी, मतलब बी अगर सी से भी बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो क्या बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा,
बी इज ग्रेटर प्रिंट करेगा। क्लियर है? ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब क्या होगा, तीसरा नंबर को चेक करेगा, तीसरा नंबर है सी। ठीक है, तो उसके एल्स पार्ट पे जाएगा। ठीक है, एल्स के साथ हम लोग लगा दिए इफ। क्या लगा दिए हम लोग? एल्स के साथ इफ लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो इफ है उसका ये एल्स है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसके साथ भी हम लोग यहाँ पे थर्ड कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, कंडीशन थ्री है ये। ठीक है, तो कंडीशन थ्री है हमारा। ठीक है, इफ सी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, एंड सी इज ग्रेटर देन बी। सी को किससे किससे कंपेयर करा रहे? ए और बी से कंपेयर करा रहे। ठीक है, अगर दोनों से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट करेगा? सी इज ग्रेटर। ठीक है, हो गया, सारे कंडीशन हो गए हमारे। ए को भी कंपेयर करा लिए, बी को भी कंपेयर करा लिए और सी को भी कंपेयर करा लिए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब फाइनली हम लोग एक लिखेंगे एल्स। ठीक है, एल्स हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ। ठीक है, नथिंग इज ग्रेटर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है स्क्रीन। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, पता नहीं अभी 5G लॉन्च करने वाले उसके चक्कर में डाउन करके रखे हैं लोग सब। ठीक है, ऑपरेटर्स वाले जो हैं यूज़र को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिख रहा है ना? थोड़ा आसपास घूम लो, छत वत पे चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइनल एक एल्स कंडीशन जो दिया हूँ उसमें लिख दिया नथिंग इज ग्रेटर। ठीक है, क्लियर? अब मैं इसको आएगी आएगी वॉइस भी आएगी। ठीक है, अगर थोड़ा नेटवर्क डाउन हो रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो डल जाएगा, इसको देख सकते हो, है ना? ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया हूँ और इसको करते हैं कंपाइल। ठीक है, कंपाइल मैंने कर दिया, अब इसको करते हैं रन। ठीक है, एंटर ए, ए की वैल्यू डाल रहा हूँ 10। ठीक है, एंटर बी, बी की वैल्यू डाल रहा हूँ 20। ठीक है, एंटर सी, सी की वैल्यू डाल रहा हूँ 30। कौन सा बड़ा है बताओ? ठीक है, अभी क्या करेगा देखो, सबसे पहला कंडीशन, कंडीशन वन। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन सी। ए को कंपेयर करेगा, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 20, 10 इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया ना यहाँ पे। इमेजिन करो, ठीक है, सोचते जाओ दिमाग में, तभी हो पाएगा। ठीक है, अब कंडीशन टू कहाँ पे आ गया? एल्स इफ में आ गया। ठीक है, एल्स इफ में आ गया। अब बी को कंपेयर करो, बी को ए से करो, 20 इज ग्रेटर देन 10 एंड 20 इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, ठीक है, एक ट्रू एक फॉल्स हो गया, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
कैसे और है ना। ठीक है, तो अब देखो, अब ये कंडीशन एक ट्रू था एक फॉल्स था, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, बी भी हमारा ग्रेटर नहीं है, मतलब वो एल्स में आ जाएगा। ठीक है, एल्स के साथ एक और इफ़ लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ थर्ड कंडीशन चेक होगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं वैल्यू सी के ऊपर। अब सी को हम लोग ए से कंपेयर कराएंगे और किससे कंपेयर कराएंगे, बी से। ठीक है, सी इज़ ग्रेटर देन ए और सी इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, मतलब 30 इज़ ग्रेटर देन 10, 30 इज़ ग्रेटर देन 20, दोनों हम लोग का कंडीशन ट्रू आ रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लॉजिकल एंड लगा हुआ तो ओवरऑल हम लोग को ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो क्या दिखाएगा, सी इज ग्रेटर। सही है, प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको वापस से और रन करके देख लेते हैं हम लोग कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूँ ए को बड़ा कर देता हूँ, 30 20 10। ठीक है, क्या आया, ए इज़ ग्रेटेस्ट आ गया। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ बी को बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ 10 30 और यहाँ डालते हैं 20। ठीक है, एंटर किया, क्या बताया, बी इज ग्रेटर। ठीक है, प्रोग्राम सही चल रहा है, किसी कोई दिक्कत है प्रोग्राम में, समझ में आया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर। क्या बोलते हैं, इफ एल्स इफ लैडर। अभी लैडर कैसे बन रहा है, सीढ़ी बोलते हैं लैडर को, है ना, कैसे बन रहा है, ये इफ है ये एल्स है, एल्स के साथ फिर से इफ जोड़ दिए। ठीक है, फिर इफ है फिर एल्स है फिर इफ जोड़ दिए उसके साथ। ठीक है, इफ है फिर एल्स है। ठीक है, और यहाँ सीढ़ी खत्म। ठीक है, अगर हम लोग तो यहाँ तो तीन ही कंडीशन लिए, अगर 50 कंडीशन होगा तो 50 ऐसे पूरे पूरे हम लोग इफ एल्स इफ इफ एल्स इफ इफ एल्स इफ ऐसे हम लोग लेते जाएंगे। बोलो। हाँ देखो, जब हम लोग को मल्टीपल कंडीशन लेना होगा, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन हम लोग को देना है, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे इफ एल्स इफ का यूज़ करते हैं। ठीक, ठीक है, नथिंग इज ग्रेटर भी डाल देते हैं। हाँ, तीनों सेम डाल देते हैं। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ 20 20 20। ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, तीनों सेम के अलावा क्या होगा, 0 0 डाल दो, सब सेम ही रहेगा तब तो बड़ा नहीं होगा ना, है ना, सब सेम ही रहेगा सब वैल्यू, तभी तो कोई लेस देन भी नहीं है कोई ग्रेटर देन भी नहीं है, है कि नहीं सब। हाँ बोलो। बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या बोल रहे हो वैसे टाइप को बनाना पड़ेगा ना, कैसा बोल रहे हो। अच्छा, अगर ए इनपुट कर रहे तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, बी एंटर कर रहे तो उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, वैसा बोल रहे हैं। बना सकते हैं, बना सकते हैं, वो स्विच से बनेगा, स्विच स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे उससे बनेगा। ठीक है, इससे भी बन सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, वाला भी करेंगे। और किसी कुछ डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, प्रोग्राम समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इतने ही पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना।
ले लिए स्क्रीनशॉट, किसी कुछ डाउट है? सबको समझ में आया ना ये कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स इफ लैडर? ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इफ एल्स इफ लैडर हो गया और स्विच केस, ठीक